हे व्हाट्सअप गाइज, सो कैसे हो आप लोग। सो गाइज, आज मैं करने वाला हूँ महाशिवरात्रि फोटो एडिटिंग, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करो वो। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा एंड यहाँ से आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा नीचे की ओर, उस पर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आपको एडिट अ फोटो पे क्लिक करके आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस बैकग्राउंड का लिंक एंड PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, सबसे पहले आपको इफेक्ट पे जाना होगा, इसे आपको ब्लर कर लेना होगा। तो ब्लर पे आइएगा, यहाँ ऑप्शन दीजिएगा ब्लर का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आपको ब्लर कर लेना है। तो उस पर आप डबल टैप कीजिएगा, तो इस तरह से आप ब्लर को सिचुएशन बढ़ा सकते हैं, ब्लर की ऑपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो गाइज, जितना पर आप रखना चाहते हो उतना करके आपको कर देना होगा डन। डन करने के बाद गाइज आपको जाना होगा ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइज आपको अपना मॉडल को ऐड करना होगा, तो इस तरह से कर लेते हैं ऐड। तो ऐड करने के बाद गाइज इसे एडजस्ट करना होगा, जहाँ भी आप लगाना चाहते हो वहाँ पे आपको कर लेना होगा एडजस्ट। तो चलिए कर लेते हैं एडजस्ट। करने के बाद गाइज आपको कटआउट पे क्लिक करना होगा, कटआउट पे क्लिक करके आपको पर्सन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली पर्सन पे क्लिक होकर आपका PNG में चेंज हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो इस तरह से सेलेक्ट हुआ है जो रेड कलर का, तो उस तरह से आपको जहाँ पे नहीं हुआ होगा वहाँ पे आपको ब्रश कर देना होगा एंड जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड हो गया होगा जो रेड कलर पड़ गए होंगे बैकग्राउंड पे, तो उसको आपको इरेज कर देना होगा। सो गाइज इस तरह से कर लीजिएगा अपने सिर्फ बॉडी पे। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा PNG बनकर तैयार। सो आप देख सकते हो गाइज इस तरह से मेरा फोटो का PNG बन गया है। तो इसी तरह से आपको करना है एंड यहाँ से आपको सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए कर लेते हैं सेट। सो फाइनली ये मैंने सेट कर दिया है, सो कर लेते हैं डन। तो डन करने के बाद गाइज आपको फिर से जाना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइज यहां से आपको कलर वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो इस वाले कलर पे क्लिक करके एंड यहां से आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा। तो जो आपको अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, उधर नहीं क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डबल टैप करना है एंड यहाँ से आपको ह्यू को बढ़ा घटा कर देख लेना है कि भोलेनाथ का जो कलर आपको अच्छा लगता है, जो महादेव का कलर होता है, तो उसे आपको सिंपली इतना पर लानकर छोड़ देना है। इतना पर करने के बाद गाइज आपको करना होगा इरेज वाला टूल पर जाना होगा एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना होगा। इन्वर्ट करने के बाद गाइज आपको रीस्टोर वाला ब्रश का आइकन दिख रहा होगा, इस तरह से जूम कर लीजिएगा फोटो को एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा एंड इस तरह से अपने सिर्फ फेस पे सिर्फ अप्लाई कीजिएगा। तो कर लेते हैं अप्लाई। सो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, तो कर लेते हैं इतना। फाइनली मैंने वीडियो को स्किप करके कर दिया है। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा हार्डनेस को कम करके इधर भी आपको कर देना होगा, तो अब और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो गाइस अब देख सकते हो तो और भी अच्छा दिखने लगा है। तो इधर उधर हार्डनेस को ओपेसिटी को कम करके इस तरह से कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो तो मेरा आई वाले ऑप्शन पर ही हो गया, आई पे भी हो गया। तो आपको इरेज वाला टूल पर जा करके हार्डनेस ओपेसिटी को बढ़ा करके आपको आई वाला को इरेज कर लेना होगा, सिर्फ आई को इरेज कर लेना होगा। आँख जो मेरा उसे आपको सिर्फ इरेज कर लेना है, तो वो वाला भी आँख को आपको इरेज कर लेना है। तो कर लेते हैं इरेज। इतना करने के बाद गाइज आपको लिप्स को भी इस तरह से इरेज कर लेना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो आप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद गाइज अब देख सकते हो कि जो मेरा लिप्स है वो और भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हार्डनेस को कम कर देना है, हार्डनेस ऑपेसिटी को कम कर देना है बहुत कम, और इस तरह से ब्रश करना है, ब्रश करना है, सिर्फ रीस्टोर करना है। तो गाइज आप देख सकते हो तो ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा हो रहा है, तो इस तरह से आपको कर देना होगा। इतना करने के बाद गाइज आपको कर देना होगा डन। तो इतना हो गया है, तो इतना करने के बाद आपको गाइज यहाँ से आप फेडो को बढ़ा करके घटा करके देख सकते हो। तो कर लेते हैं इतना करने के बाद डन। तो गाइज इतना करने के बाद आपको जाना होगा ऐड फोटो पे। तो चलते हैं ऐड फोटो पे। यहाँ से आपको एक दो PNG को ऐड करना होगा, तो कर लेते हैं ऐड। इन सारे PNG का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद गाइज इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, फर्स्ट वाले को इस तरह से एडजस्ट करने के बाद गाइज आपको, सो पहले इसे छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद गाइज इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करने के बाद गाइज इसे एडजस्ट करते हैं तब अच्छा रहेगा, वरना उस पर भी आपको टैप करना पड़ जाएगा। तो गाइज इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसे लेना है एंड इस तरह से आपको कोने में ऐड करना है, एडजस्ट करना है। तो गाइज इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग। इतना करने के बाद डन कर देना है। फिर से ऐड फोटो पर जाना है एंड यहाँ से आपको ये वाला PNG को ऐड करना है एंड अपने हेड पे, हैंड पे लगाना है, हेड पे
सिर पे लगाना है, तो इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम पिक दिखने लगा है। इतना करने के बाद आपको कर देना है डन, तो कर लेते हैं। फिर से आपको स्टिकर पर जाना है एंड यहाँ से आपको एक सर्च करना होगा, तो सर्च कर लेते हैं ओम नमः शिवाय। तो इतना आप सर्च कर लीजिएगा तो नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको जो भी आपको लेना है नेम वगैरह तो वो आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपको साइड में लगा देना है। सो गाइस इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपको। इतना करने के बाद गाइस कर देना है डन। सो गाइस देख सकते हो पहले से कितना ज़्यादा ऑसम पिक बन गया है। सो गाइस यहाँ से कर लेते हैं इस फोटो को डन एंड यहाँ से आपको कर लेते हैं गैलरी में सेव इस फोटो को एंड शेयर करके लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन दिख रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड अपने गैलरी से इस फोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कीजिएगा तो ये ऐड हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो ऑन फोटो इज सक्सेसफुल। तो गाइस इस पर आपको क्लिक करना है ऑल फोटो पे एंड यहाँ से आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है। करने के बाद गाइस आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से आपको लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक्सप्लोर को बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा दीजिएगा, हाईलाइट को कम कर दीजिएगा, शेडो को बढ़ा दीजिएगा, ब्लैक वाइट को कम करके आपको आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से आपको जाना होगा मिक्स पे। मिक्स पे जाने के बाद गाइस इस वाले कलर का सिचुएशन आपको बढ़ा करके घटा करके आप देख सकते हो किस तरह से, तो इतना घटा देना है एंड ह्यू को आप माइनस प्लस करके देख सकते हो। तो गाइस इतना रखेंगे हम, प्लस में 15 कर देंगे। गाइस यहाँ पे आपको इस वाले कलर पे इन सभी कलरों पे आ जाना है एंड यहाँ से आपको सिचुएशन को माइनस करना है। सिर्फ ब्लू कलर का सिचुएशन को आपको हल्का सा बढ़ाना है एंड यहाँ से इसका सिचुएशन माइनस कर लेते हैं एंड इसका सिचुएशन भी आपको कर लेना है इतना माइनस। इतना माइनस करने के बाद येलो कलर का सिचुएशन आपको हल्का सा बढ़ा देना है। सो आ जाते हैं इस वाले कलर पे, ऑरेंज मैलेट कलर पे आने के बाद सिचुएशन को बढ़ा दीजिएगा एंड लेमिनेंस को कम कर दीजिएगा, इतना रखिएगा अपने फोटो के अकॉर्डिंग। तो इतना करके कर देते हैं डन। इफेक्ट पे आकर के क्लैरिटी हल्का सा दे देना है अपने फोटो में एंड यहाँ से आपको जाना है डिटेल्स पे। डिटेल्स पे आकर के नॉइज रेजुलेशन को हल्का सा बढ़ाइएगा एंड यहाँ से ऑप्टिक पे जाकर के इन दोनों को अलाउ कर दीजिएगा। सो गाइस ये हो गया कलरफुल एडिटिंग। सो इतना कर लेते हैं तो हो गया फाइनली गाइस। तो इस वाले शेयर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक एंड यहाँ से आपको कर लेना है सेव टू गैलरी। तो गाइस ये आपका हो जाएगा गैलरी में सेव। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।